गोदावरी की तस्वीरें हैं जहां पर जल बहाव जो है गोदावरी नदी में बढ़ता हुआ नजर आया है। घाट के आसपास आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पानी भरा है, मंदिर पूरी तरह से पानी में डूब गया है। तो आप देखिए कि लगातार महाराष्ट्र में बारिश हो रही है और जल संकट जो है यहाँ पर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम घाट के आसपास जो इलाके हैं वहां पर पानी भर आया है। ऐसे में लगातार जो है जनजीवन या लोगों का जो संघर्ष है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक सुखरूदी तस्वीरें आप नासिक से देख पा रहे हैं, महाराष्ट्र में लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में आपको बता दें कि नासिक में उफनती गोदावरी में घाट और मंदिर जो है वो डूबे हुए नजर आए। लेकिन गुजरात के अहमदाबाद की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, लगातार अहमदाबाद में रुक रुक कर बारिश हो रही है। ये जो तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इसमें आप ये अंदाजा नहीं लगा पा रहे ये तालाब है कि ये प्लेग्राउंड है। दरअसल आपको बता दें ये प्लेग्राउंड है और आप देखिए किस तरीके से अहमदाबाद में जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही थी पानी का बहाव किस तरीके से इस ग्राउंड में भर गया है और ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो पा रहा है कि ये तालाब है या प्लेग्राउंड है। लेकिन आपको बता दें कि अहमदाबाद की यही स्थिति है क्योंकि अहमदाबाद में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। दक्षिण गुजरात में लगातार अलर्ट जारी किया गया है और स्कूल और कॉलेज भी वहां पर बंद कर दिए गए हैं और लगातार आपको तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र की अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं वहां पर किस तरीके से बारिश जो है वो कहर बरपा रही है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं महाराष्ट्र की क्योंकि लगातार महाराष्ट्र में भी जमकर बारिश हो रही है। वहां पर तमाम नदियां जो है वो उफान पर है, रास्तों पे लगातार जो है आपको वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि रास्तों में जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जो गलियां हैं या रास्ते हैं वो आपको जलमग्न नजर आएंगे। ये अपने आप में तमाम जो तस्वीरें हैं वो परेशान कर रही हैं कि जल प्रहार जो है वो किस तरीके से लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, लोगों की मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से राज्य के राज्य शहर के शहर इस वक्त बारिश की आफत झेल रहे हैं और बताया गया है कि भारी बारिश के कारण नंदुरबार में एक स्कूल में कुछ शिक्षक और छात्र फंस गए हैं जिन्हें बचाव दल के लोगों ने सुरक्षित जगह पर निकालना शुरू कर दिया है। ये हालात केवल महाराष्ट्र के इसी जिले में नहीं है बल्कि महाराष्ट्र के आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक बारिश की वजह से हुई घटनाओं में 1 जून से अब तक 76 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं जिनमें से 9 लोगों की जान बीते 24 घंटे में गई है। यही नहीं, राज्य में बाढ़ और भारी बारिश की वजह से करीब 850 मकानों को भारी नुकसान पहुंचने की भी खबर है और यह बताया जा रहा है कि अब तक करीब 5000 लोगों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया जा चुका है और यही कारण है कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है क्योंकि गढ़चिरौली में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से सरकारी दफ्तरों को छोड़कर सभी बाजारों को बंद रखने का आदेश भी दे दिया गया है। तो लगातार आपको तस्वीरें आप दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बारिश का पानी जो है वो लोगों की जिंदगियों पर भारी पड़ रहा है। लगातार गुजरात की तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, वलसाड की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ पर मौसम का सितम लगातार जारी है, रुक रुक कर बारिश हो रही है और तेज बारिश की वजह से आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर घुटनों तक पानी जो है वो भर आया है। तमाम सड़कें जो है वो पानी से लबालब है, लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है कि किस तरीके से इन रास्तों को पार किया जाए। तमाम गलियों में पानी भर आया है, सड़कों पर जो गाड़ियां हैं वो रेंगती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन वलसाड का ये वो इलाका है जहां पर लगातार जो है बारिश का कहर या यूं कहें बरसात का कहर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो दक्षिण गुजरात में तमाम ऐसे हिस्से हैं जहां पर इस तरीके की स्थिति फिलहाल नजर आ रही है, या तो सड़कें जलमग्न है या तालाब में तब्दील हो गई है, गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही है और लगातार जाम और जल भराव की स्थिति भी नजर आ रही है। तो लगातार आपको ये तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अहमदाबाद के बाद भोपाल की तस्वीरें हैं, आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर भी मुसीबतों की बारिश जो है या बादलों की बेरुखी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। सहारनपुर की तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से सहारनपुर भी अछूता नहीं रहा है, बारिश और बाढ़ का खतरा यहाँ पर भी है। नदियों में लगातार उफान आ रहा है और ऐसे में सड़कों तक पानी भर आया है, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, तमाम जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पर रेंगती हुई नजर आ रही है, जलभराव की स्थिति हर तरफ नजर आ रही है, लोगों का संघर्ष लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सहारनपुर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बारिश की बेरुखी या यूं कहें बादलों की बेरुखी हिंदुस्तान में नजर आ रही है, तमाम राज्यों में आपको यही स्थिति नजर आएगी। एक बार फिर से आपको वलसाड की तस्वीरें आप दिखाते हैं क्योंकि लगातार जो है वलसाड में बाढ़ का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है, कई लोगों को कई इलाकों में जहां जहां जलभराव की स्थिति नजर आ रही है, एनडीआरएफ की तरफ से सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जनजीवन और जल संकट जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वलसाड की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों के घरों तक पानी भर आया है,
सड़कें टूट रही हैं, कहीं गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं, कहीं लोग डूबते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो जल संकट है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तमाम प्रशासनिक अमला जो है वो ग्राउंड जीरो पर तैनात है। कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। जहां जहां पर लोगों का संघर्ष नजर आ रहा है वहां पर एनडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार लोगों को बाहर निकाल रही है। लेकिन अहमदाबाद के जीएमडीसी की आपको तस्वीरें दिखाते हैं हम, क्योंकि यहां पर लगातार अहमदाबाद में रुक रुक कर बारिश हो रही है। ऐसे में अहमदाबाद की तमाम गलियां पानी से भरती हुई नजर आ रही है। ये प्लेग्राउंड की तस्वीर है और ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये प्लेग्राउंड है या तालाब है। आप देखिए कि किस तरीके से बारिश का पानी या बारिश का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अहमदाबाद की तस्वीरें अपने आप में हैरान करती है कि किस तरीके से लोगों की जिंदगियों पर कहीं ना कहीं बारिश जो है वो आफत बनकर बरप रही है। गुजरात के तमाम इलाकों की ये तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में लगातार इसी तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं। लगातार मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी 14 तारीख तक जारी किया गया है। अहमदाबाद में स्कूल कॉलेज बंद हैं, लेकिन आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अहमदाबाद में फिलहाल आपको बता दें मौजूदा स्थिति यही है कि लगातार जलभराव की स्थिति नजर आ रही है। और फिलहाल लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम गुजरात में मौजूद हैं और गुजरात के चप्पे चप्पे की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे आसपास आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से मटमैला पानी, ये बताने के लिए काफी है कि स्थिति जो है वो गंभीर है, खौफजदा है। जलस्तर जो है लगातार इस डैम का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूर तक आप सिर्फ और सिर्फ पानी देख पा रहे हैं और मेरे आसपास जितनी भी दूरी तक आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पानी पानी नजर आ रहा है। ये स्थिति सिर्फ गुजरात के इस इलाके की नहीं है, लेकिन ऐसी ही स्थिति गुजरात के तमाम इलाकों से नजर आ रही है। गुजरात के बाद आपको एक बार फिर 6 तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि आधा हिंदुस्तान जो है फिलहाल पानी पानी हो रहा है और बेबसी की तस्वीरें हिंदुस्तान से नजर आ रही है। 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड की तस्वीरें हैं जहां पर लगातार जो है बारिश का कहर या यूं कहें बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। रास्तों पर पानी भर आया है और एक बार आप ये तस्वीर वलसाड की भी देखें कि किस तरीके से बाढ़ में 4 लोग फंस गए थे, उनकी जिंदगियां कहीं ना कहीं संघर्ष से जूझ रही थी, लेकिन यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और बकायदा हेलीकॉप्टर के जरिए इन 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तो आप ये वलसाड की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बाढ़ के पानी में 4 लोग फंस गए थे, लेकिन सुरक्षित यहाँ पर एनडीआरएफ की तरफ से प्रशासनिक अमला लगातार मुस्तैद है क्योंकि गुजरात में इस तरीके की स्थिति है। ऐसे में वलसाड की तस्वीरें जहाँ पर 4 जिंदगियां पानी के बीच में फंस गई और हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया, रेस्क्यू किया गया। तो तमाम तस्वीरें आपको गुजरात के तमाम इलाकों से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से पानी का जलस्तर बढ़ रहा है, लोगों पर मुसीबतों का खतरा जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में तमाम लोग जहां जहां फंसे हुए हैं क्योंकि एनडीआरएफ की टीम्स लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, प्रशासनिक अमला लगातार निगरानी रख रहा है और लगातार लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। आप देखें कि किस तरीके से ये 4 जिंदगियां पानी के बीच फंस गई थी। पानी का बहाव इतना तेज था कि अपने आप को बचाव नहीं कर पाए और ऐसे में हेलीकॉप्टर के जरिए इन 4 लोगों को बचाया गया है, सुरक्षित बाहर निकाला गया है, सुरक्षित रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तो आपको बता दें कि वलसाड, नवसारी, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां फिलहाल आपको बता दें रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लगातार यहाँ पर पानी का जलस्तर या यूं कहें सड़कों पर पानी भरता हुआ नजर आ रहा है, आसपास घरों में पानी घुस गया है और ऐसे में तमाम लोग जहां जहां फंसे हुए हैं वहां पर या तो अलर्ट जारी किया गया है, एहतियातन के तौर पर तमाम एनडीआरएफ की टीम्स वहां पर मौजूद है और ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बता रही है कि किस तरीके से जहां जहां लोग फंसे हुए हैं प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंच रहा है। छत्तीसगढ़ की तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है, वहां पर भी बादलों का कहर या यूं कहे बादलों की बेबसी लोगों पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। बीजापुर की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से यहां पर अनाज से भरा जो ट्रक है वो पानी के बीचों बीच फंस गया। इतना तेज बहाव था यहाँ पर पानी का कि एक ट्रक यहाँ पर बीचों बीच फंस गया और बताया यही जा रहा है कि आदिवासी इलाके में ये ट्रक जा रहा था अनाज लेकर। लेकिन आप देखिए ये बीजापुर की तस्वीरें हैं जहाँ पर बारिश का कहर नजर आ रहा है और ये ट्रक जो है तेजी से बारिश के पानी में बहता हुआ नजर आया है।